मेडिकल कॉलेज को लेकर शिकायत हुई है, प्रदेश में कई फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में पैरामेडिकल की बाढ़ आ चुकी है। प्रशासन को शासन को सब जानकारी होने के बावजूद ये हमको पर कमर कसने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको, और प्रदेश के जो सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनसे लेकर कलेक्टर से लेकर SP तक के आवेदन दे चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा रही। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ हमारा एक तो कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पे जो पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं गरीब लोग हैं, किसान के बेटे हैं, कुछ मजदूर के बेटे हैं, और ये पैरामेडिकल जो संस्थान है ये कॉलेज का नाम लिखकर 70 से 80 हजार रुपये फीस लेते हैं, मोटी रकम लेकर जो हमारे जो प्रदेश के जो गरीब लोग हैं उनकी गाड़ी कमाई को लूटने का काम करते हैं, उसके बावजूद भी सरकार के काम में जूं तक नहीं रह रही है। मैंने 3 बार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा जी को भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर आगे कार्रवाई नहीं हुई तो अजीत जो भी युवा मोर्चा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी, और मैं रायपुर में कुछ दिन बाद जो संचालित जो कॉलेजेस हैं, जैसे गजानंद पैरामेडिकल कॉलेज है, RM कॉलेज है, ऐसे जो कॉलेजेस हैं उनके ऊपर जाके मैं FIR भी कराऊंगा। अगर FIR नहीं होगा तो थाने के बाहर जाके बैठूंगा, जब तक FIR नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि इसमें लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है, और इस छत्तीसगढ़ की माटी में हम छत्तीसगढ़ियों का भविष्य खराब होने नहीं देंगे, ये संकल्प लेते हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी, इसमें आपने उनको भी शिकायत की, अवगत कराया? मुझे लगता है कि अधिकारियों को ऊपर से दबाव है, इसलिए उनके हाथ पैर फूल रहे हैं। राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश के डिप्टी CM से लेकर कलेक्टर से लेकर SP तक का आवेदन दे दिया गया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई और आला अधिकारी बचे हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब कहीं ना कहीं इन पैरामेडिकल कॉलेजों को बड़ा संरक्षण मिल रहा है, इसलिए प्रदेश के लगभग 25 ऐसे जो कॉलेजेस हैं, संस्थान हैं, ये भर्रासाही कर रहे हैं और अपनी मनमानी लूट कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि कई महाविद्यालयों में 2-2 साल से परीक्षाएं नहीं हुई हैं, और परीक्षाओं नहीं होने के कारण छात्र छात्राएं बहुत परेशान हैं, और इसी कारण ही जो आत्महत्या के जो कदम उठाए जाते हैं, मुझे लगता है कि बच्चे परेशान होकर इस कदम को उठाते हैं, और आखिरी में माँ बाप का ही जो औलाद होता है वो अपने औलाद को देते हैं, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है।